नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो 68,500 का जो मामला चल रहा था, जिसका कोर्ट का आदेश आया था, और आज वो आदेश जो ऑर्डर है वो अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। तो आदेश क्या है उसका मैं समराइज बताऊंगा। बहुत ज्यादा बड़ा सा है, बहुत सारे केसेस थे, आप देख रहे हैं स्पेशल अपील 79/2020, उस पर आपके कई सारे ऐसे अपील हैं। सभी अपीलों को मिलाकर एक साथ कोर्ट ने आदेश दिया है। बेसिकली मुद्दा क्या था, मुद्दा पहले समझ लो आप लोग कि मुद्दा था क्या। ये मुद्दा ये था बच्चों कि जो 68,500 भर्ती आई थी, सबसे पहले आपके प्राइमरी टीचर की प्रायोरिटी की यूपी में जो भर्ती आई थी, यहां 68,500 में सबसे पहले पहली बार अगर हम बात करें तो पहली बार सुपर टेट हुआ था। और जो सुपर टेट था वो बेसिकली आपका कैसा था, वो सुपर टेट आपके एमसीक्यू बेस्ड ना होके आपके डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव था। और इस केस में यहां पर क्राइटेरिया रखी गई थी 40% और 45% की। ये ध्यान रखिएगा कि आप 40% मार्क्स और 45% रिजर्व कैटेगरी की बात करें और ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें। तो 68,500 की जो भर्ती आई थी वो 9 जनवरी 2018 के आसपास आई थी, और मार्च में इसका कहीं ना कहीं एग्जाम हो गया था, और उसके बाद से ऐसे ही दिसंबर में आपको 69,000 वाली आई। तो 69,000 वाला तो सिस्टम जो है वो अलग है, 68,500 वाले में सिस्टम क्या है वो मेन इसी मुद्दे को लेकर है। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा उनमें से मात्र 41,500 कितने लोग क्वालिफाई हुए थे, क्वालिफाई जो इस मतलब इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने वाले वो 41,556 लोग ही थे कि जो सिर्फ क्वालिफाई कर पाए थे। तो इसी केस में अगर ऑलमोस्ट ये जो वैकेंसी है, यहां पर कोर्ट ने कहा कि भैया जब नहीं मिले तो जो वैकेंसी खाली हो गई 68,500 में से, वो 27,000 जो भर्ती है उसे आप लोग कंडक्ट कराइए। कितनी है वो आप यहां पर आप लास्ट में, मैं आपको ऑर्डर इतना समय कहां है कि आप पढ़ोगे, लेकिन समराइज मैंने आपको बता दिया कि यहीं पर आपको कहीं ले दोगे 27,700। यहां सब कुछ बात लिखी गई है, यहां देखो वही सब लिखा गया कि 68,500 वैकेंसी थी, 41,556 बंदे ने इसको क्वालिफाई किया था, और उसके बाद से आपके 69,000 की पोस्ट आ गई, उसमें भी उस पोस्ट को नहीं इंक्लूड किया गया। तो आखिर बोर्ड को वो बोला है कि ये जो 27,713 पद है इस पर आप जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करिए। अब ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या करता है, इसमें और वैकेंसी इंक्लूड करके देता है या इतने पे ही कराता है। और वो 2 महीने की बात की गई है कि जल्दी से जल्दी इस पे 2 महीने पर कार्य होने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि यहां पर देखेंगे आप कहीं बोला है रेज रिलैक्सेशन के बारे में, एक शब्द आपका इस्तेमाल किया गया होगा यहां पर कि जो बच्चे उस टाइम, देखिए यहां पर ये अभी कहीं नहीं कंफर्म हो रहा है कि कौन, देखिए इसका फॉर्म कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, इसका मैं यहां पर आपको डिटेल बता दूं कि क्या है। ध्यान दीजिएगा वो कहां चली गई लाइन। एक बात यहां पर कोर्ट ने बोला है कि जो आपके जिसको भी एज रिलैक्सेशन का जरूरत है, सब्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय एडवर्टाइजमेंट वीसा 2000 इस इज इनफॉर्म देयरफॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर फिलिंग 69,000 एडवर्टाइजमेंट इतना है 2000 हेल्ड वाज विद सब्जेक्ट मैटर अपील यस के एडवर्टाइजमेंट लीगल पेंडिंग रिस्पेक्ट अदर एडवर्टाइजमेंट वी सी नो जस्टिफिकेशन नॉट होल्डिंग अदर एटीआरई आफ्टर 2018 स्टेट गवर्नमेंट एंड द बोर्ड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड अब नो लीगल इंपेंड। और यहां पर चलिए अभी यहां पर मैं चला गया कहीं आपका, वो मैंने आपको बता दूं कि उसमें बेसिकली क्या था कि जो आपने देखा कि 27,000 प्लस जो आपके पद हैं उनको भरने के लिए कोर्ट ने कहा, और कहा है कि जो पहले आपके अभ्यर्थी थे उन्हें अगर एज रिलैक्सेशन देना है तो वो आप एज ए रूल जो लॉ है जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें एज रिलैक्सेशन दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या इसे नए कैंडिडेट भर सकते हैं, क्या इस फॉर्म में न्यू कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म में क्या न्यू कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, सबसे बड़ा बात तो यह है। तो जो इस कोर्ट का ऑर्डर है इसमें कहीं ऐसा नहीं क्लियर पता चल रहा है
कि न्यू कैंडिडेट अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जो कहने का तात्पर्य है कि 27,000 का फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला जाए। क्या निकाला जाए? नोटिफिकेशन फिर से निकाला जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ उन्हीं बंदों को जो पहले फॉर्म फिल किए थे 68,500 में, और एक बात और बता दें कि जो 68,500 ये भर्ती थी, इसमें आपके बीएड वाले अलाउ नहीं थे, सिर्फ बीटीसी वाले अलाउ थे, और पहली बार सुपर डेट हुआ था। तो ये कहना कि न्यू वाले बंदे भर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ ओल्ड वाले भर सकते हैं, तो ये क्लियर होता है कि अगर ओल्ड वाले ही भरते तो कोर्ट ये नहीं कहता कि इसका फ्रेश नोटिफिकेशन दिया जाए और इसे भर्ती कराया जाए, इसके रूल्स जो भी निकाला जाए इंग्लिश हिंदी दोनों में निकाला जाए, ये सब चीजें नहीं बोलता। तो इसका तात्पर्य यह है, ऑलमोस्ट चांसेस है कि नए कैंडिडेट भी इसको फॉर्म को फिल करेंगे। आपके 95-98% उम्मीद है कि नए कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो बोर्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उन्हें पुराने बच्चों को लेना होता तो उनके पास डेटा खुद ही था, वो उसी में उनको रिलैक्सेशन देके एडमिट कार्ड निकाल देते, फिर से नया फॉर्म नहीं भरवाते। नया फॉर्म आने का मतलब कि फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और पुराने बच्चों जो ओवर एज हो गए होंगे उन्हें एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यही कुल मिला के इतने बड़े कोर्ट ऑर्डर में कुल मिला के कहा गया है। अब ये उनके कोर्ट की तरफ से तो 2 महीने की बात की गई है, लेकिन अब बोर्ड क्या करता है वो बोर्ड पे डिपेंड होता है कि बोर्ड के पास और भर्ती है क्या, उसे मिला के देगा या उतना ही देगा। 50,000 जो कहा जा रहा था, एक बार हल्फनामा आया था कि वो मिलेगा, तो 70,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएगी। अब क्या चीजें हैं वो बोर्ड सब कुछ क्लियर करेगा। तो ये सब कुछ क्लियर होने में अभी समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, ये बस कोर्ट का आदेश है, और इस आदेश पर बोर्ड अपना कार्य स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब ये कंफर्म है भर्ती तो आएगी ही आएगी जब कोर्ट का आदेश हो गया है। तो जो बच्चे प्राइमरी का इंतजार कर रहे थे टीचर का, उनके लिए एक सनारा मौका है। अगर पोस्ट नहीं भी बढ़ी तो एटलीस्ट 27,000 समथिंग पद तो हैं आपके पास, आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। और जो लोग इसकी वेट कर रहे थे, जो लोग भी पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, वो एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि सर हम पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं। टीम आपको जो भी हो सकता है आपको आपकी तैयारी में मदद करेगी, और आज से ही लग जाइए, क्योंकि जो क्राइटेरिया 2018 के रूल्स में था एग्जामिनेशन के, वही फॉलो की जाएगी। तो उसको फिर से पास करने के लिए आपको एक कड़ी मेहनत की जरूरत है, और टीम परीक्षा प्लस आपके हमेशा साथ रहेगी। तो जो लोग भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इसके पूरे डिटेल आपको मैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नए कैंडिडेट कौन भर पाएंगे कौन नहीं, इन सभी की अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।